Hi, welcome on Jim's Orbit. Welcome on board, and we are going to start this journey of learning. Let's get started. Hey, how are you? मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया होंगे और सब सही चल रहा होगा. अब हम NCERT एक्सरसाइज 3.1 करने जा रहे हैं और इसी के साथ चैप्टर 3 की शुरुआत भी हो जाती है. मतलब पहले ही हो चुकी है, वैसे बेसिक्स मैंने क्लियर कर दिए लास्ट यूनिट में. इस वीडियो में हम जानेंगे, एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करेंगे. बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं. 10 क्वेश्चंस हैं मुझे लगता है, हाँ 10 क्वेश्चंस हैं और ईजिली हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन 1 कह रहा है, इन द मैट्रिक्स ए, जो कि आपको पता है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैंने आपको कुछ बताया था. देखिए मैट्रिक्स मूवी से मत रिलेट करिएगा, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ. मैट्रिक्स बेसिकली सिंगुलर होती है और मैट्रिसेस प्लूरल होती है. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कितनी रोज हैं, एक रो, दो रो, तीन रो, तीन रोज हैं. और कितने कॉलम्स हैं, वन कॉलम, टू कॉलम, थ्री कॉलम, फोर कॉलम्स, फोर कॉलम है. इसका मतलब ये है कि इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3x4 का. क्या है, 3x4 का ऑर्डर है, सिंपल है. आगे बढ़ जाते हैं, एम क्रॉस एन लिखते हैं. वैसे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात हो रही है. साफ साफ दिख रहा है 3x4 12 एलिमेंट्स हैं. ये तो आप बेसिक उससे भी निकाल सकते थे, खांचे वाले मेथड से. खांचे वाले मेथड याद है, अरे मतलब जैसे ऐसे डिब्बे बना देते थे और कहते थे बताओ कितने डब्बे हैं, ऐसे गिनते हो, फिर ऐसे गिनते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो, है ना, सेम चीज़ करनी है. तो 12 एलिमेंट्स हैं. राइट द एलिमेंट्स, मैंने आपको अभी भी पढ़ाया था लास्ट क्लास में कि A13 का मतलब है फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट. तो फर्स्ट रो यानी कि ये वाली रो में थर्ड कॉलम का, तो क्या पढ़ रहा है, 19. तो A13 क्या हो गया, 19 हो गया, सही है. इसके बाद वो बोल रहा है कि A21 यानी कि सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो 35 है. इसके बाद बोला जा रहा है A33 थर्ड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो थर्ड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट, -5. एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ, काफ़ी हौच पौच हो गया. ठीक है, -5, A33 हो गया -5. इसके बाद बोला गया है A24 यानी कि सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, तो ये 12 आता है, A24 हो गया 12. और लास्ट में बोला गया A23 यानी कि सेकेंड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 5/2 आता है. ठीक है, सिंपल है, हो गया. चलिए क्वेश्चन 2 करते हैं. क्वेश्चन 2 कह रहा है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स. अच्छा, टोटल एलिमेंट्स पता है, यानी हमें m इंटू n की वैल्यू पता है, 24 है. इसको ऐसे समझिए कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो उतने ही तो एलिमेंट्स होंगे उसमें. ठीक है, तो हमें 24 पता है, उसके कित क्या ऑर्डर्स हो सकते हैं, तो आपको 24 को फैक्टराइज करना है. तो 1 × 24 हो सकता है या 24 × 1 हो सकता है. तो एक ऑर्डर हो सकता है, एक रो 24 कॉलम्स हो और इसमें हो सकता है 24 रोज और 1 कॉलम हो. ठीक है, और कोई फैक्टर्स, हाँ बिल्कुल सही है, 2 × 12 हो सकता है या 12 × 2 हो सकता है, उसके जस्ट फ्लिप वाला वर्जन मौजूद होगा. ठीक है, इसके बाद हो सकता है 3 × 8 या 8 × 3, इसके बाद हो सकता है 4 × 6 या 6 × 4. मुझे नहीं लगता है इसके आगे कुछ होगा. ठीक है, 8 पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं. व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स. अगर 13 एलिमेंट्स हैं तो बहुत ईजी हो गया, क्योंकि ये तो एक प्राइम नंबर है. सिर्फ दो ही ऑर्डर हो सकते हैं, या तो 1x13 एक रो और 13 कॉलम हो जाए, इसका मतलब ये एक रो मैट्रिक्स होगी, या 13x1 हो जाए यानी कि 13 रोज और 1 कॉलम हो जाए, ये एक कॉलम मैट्रिक्स होगी. ठीक है, थोड़ा रिकॉल करवा दे रहा हूँ, ईजी है, घबराइएगा नहीं. ठीक है, और करते रहिए साथ में. क्वेश्चन 3 देखिए, वीडियो देखिए, पॉज करिए, करिए, नहीं आए तब सॉल्यूशन देखिए, बहुत मजा आएगी उससे आपको. इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, कितने मैट्रिक्स में एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स हैं. व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं उसके. अगर 18 एलिमेंट है तो बिल्कुल बकवास वही क्वेश्चन है, 1 × 18, 18 × 1, 2 × 9, 9 × 2, 3 × 6, 6 × 3. मुझे नहीं लगता कोई और ऑर्डर पॉसिबल है, तो आप देख लीजिएगा वैसे. ठीक है, वैसे सही है ये. इसके अलावा कह रहा है, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स. अब मैं रोज ये नहीं करने वाला, सफिशिएंट है, मैंने बता दिया, प्राइम नंबर है, कर लीजिएगा. कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स जिसमें ए इज इक्वल्स टू ए आई जे, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस. 2x2 है, याद रखिएगा, जो मैट्रिक्स है वो 2x2 की है. एक मैट्रिक्स है 2x2 की, तो यानी कि वो 4 डिब्बे आएंगे, 4 एलिमेंट्स उसके अंदर आएंगे. ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट निकालने यानी A11 होगा, ये पोजीशन A11 होगी, ये पोजीशन A12 होगी,
ये 2 1 होगी क्योंकि ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, बिल्कुल सही बात है। और ये ए 2 2 होगी क्योंकि ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में है। अब देखिए ए 1 1 के लिए आपको अगर ये फॉर्मूला पता है, इसे आप ऐसे सोचिए ए पी एस सी तरह बनाते थे, याद है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वैल्यू रखते थे और टर्म निकालते थे, सेम यही करना है, कुछ नया नहीं हो रहा, ठीक है। बस ये मैट्रिक्स है 1 + 1 यही नया है इसमें, का होल स्क्वायर तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4/2 यानी कि 2 आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना है A12 यानी कि सेकेंड एलिमेंट जो कि फर्स्ट रो में रहे, उसके बाद आ जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर। I मैंने पहले बता दिया था, I रो को डिनोट करता है और J कॉलम को, अपॉन 2 सॉरी स्क्वायर, मैंने क्यूब लगा दिया माफ़ कीजिएगा, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9/2, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे A21 A21 होगा 2 + 1 का होल स्क्वायर/2, ये हो जाएगा 9/2, और लास्ट हो जाएगा A22 जो कि हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर/2 जो कि 4 का स्क्वायर है 16/2 यानी कि 8 है, ठीक है, सिंपल है। तो जो मैट्रिक्स आई है वो आई है हमारे पास, मैट्रिक्स आई है 2, 9/2, 9/2 और 8, सही है, ये फर्स्ट के लिए आंसर है। इसी तरीके से आपको इसको करना है, मुझे लगता है आप कर लेंगे और ये मुझे पूरा नहीं सॉल्व करना चाहिए, क्लास 12th है ना कि क्लास 6th, मैं क्लास 6 में भी नहीं करता, ठीक है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, मैंने बोल दिया है इतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये वाला 1/1 होगा, फिर 1/2 होगा, फिर 2/1 होगा, फिर 2/2 होगा, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आई और जे की जगह रखते जाइए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 5th उसी की तरह है, सेम क्वेश्चन है लेकिन मैं बस कर दे रहा हूँ इसको, क्योंकि यहाँ मॉड लगा हुआ है और मॉड फंक्शन मैंने पढ़ा दिया था फंक्शन के अलग एक पार्ट में। तो देखिए इसमें आपको एक 3x4 मैट्रिक्स निकालनी है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस, सो देर आर 12 एलिमेंट्स क्योंकि 3x4 है। तो देखिए 3 रो हैं, 1 2 3 और 4 कॉलम है, तो 1 2 3 4 कॉलम है, ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। एक मैट्रिक्स इसका नाम ए दे देते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये एलिमेंट आपको पता होना चाहिए 1 1 है, ये 1 2 है, ये 1 3 और ये 1 4 है, इसी तरीके से सारे पता होने चाहिए और हमें सारे निकालने हैं। मैं बस ये वाला कर दे रहा हूँ क्योंकि इसे मैं कर दे रहा हूँ, क्या बोलूँ मैं, ठीक है। तो देखिए A11 निकालना है, तो हम 1/2 है ये, सॉरी मिसप्रिंट हो गया, और यहाँ पे मॉड में -3 1 + 3 होता है +1, ठीक है, ये मॉड लगाए याद रखिएगा, तो 1/2 इंटू -3 + 1 -2 होता है, लेकिन हम इंटू 2 कर देंगे क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा, मॉड पॉजिटिव देता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 मिल जाएगा, सही है। इसी तरीके से A12 निकालने के लिए हाफ, काश मैं आपको लाइव पढ़ाता तो मुझे ये नहीं बोलना पड़ता कि स्किप कर दूं क्या, -3 + 2, ठीक है, हाफ ये हो जाएगा -1 जिसका वैल्यू 1 आएगा, तो ये हो जाएगा हाफ, समझ रहे हैं, होशियार हो गए, मैं नहीं कर रहा, मतलब इसमें कुछ ऐसा भयंकर सा खतरनाक सा कुछ नहीं है जो मुझे बताना रहे और आपको नहीं आता हो। चलिए मैं एक ऐसा 3 4 वैल्यू निकाल देता हूँ, जस्ट 3 4 कहाँ पे होगा, थर्ड रो होगी और फोर्थ कॉलम होगा, यहीं पे होगा, सही है। तो ये हो जाएगा हाफ -3 × 3 क्योंकि आई मल्टीप्लाई करना था, वहाँ पे 1 था इसलिए मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था, प्लस जे जो कि 4 है, हो जाएगा हाफ -9 + 4 -5 होगा जिसका मॉड 5 हो जाएगा, 5/2 आंसर है, सिंपल है। वैल्यूज़ को उनकी जगह रख देंगे, एलिमेंट्स की जगह जहाँ पे नाम है उनका, और बस मैट्रिक्स बन गई, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, ईजी है इसलिए मैं जल्दी चल रहा हूँ, टिपिकल होगा तो मैं टाइम लूँगा, घबराइए नहीं। क्वेश्चन 6 करते हैं, ये इक्वालिटी मैट्रिक्स के ऊपर इन्होंने दिया है क्वेश्चन, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। तो मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो इंडिविजुअली इक्वल होते हैं, तभी इक्वल मैट्रिक्स होती है। तो 4 = y हो जाएगा, 3 = z हो जाएगा, x = 1 हो जाएगा, और 5 = 5 होता ही है, बड़ी नई सी चीज़ आ गई। तो y की वैल्यू 4 है, z की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 1 है, डन। अगले पार्ट में आपको देखेंगे तो आएगा x + y = 6 हो जाएगा, ये इसके बराबर होगा, 2 तो 2 के बराबर ही है, 5 + z 5 के बराबर हो जाएगा और xy 8 के बराबर हो जाएगा। इसको कर देता हूँ मैं, क्योंकि 5 + z 5 के बराबर है तो z तो 0 के बराबर है, ये तो सॉल्व हो गया, दूसरे वाले में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ से आप एक y को सब्जेक्ट बना के रख लीजिए, तो यहाँ से y लिख लीजिए 6 - x, सही है, y क्या हो गया 6 - x, अब आप इसे x लिखिए 6 - x = 8, सही है। तो
तो ये हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। पता नहीं आपको ड्रैटिक कैसे सॉल्व करते हैं, मेरा रूल तो ये है कि एक्स स्क्वायर का टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैं वही करने के लिए उसको सबको लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में भेज रहा हूँ। ठीक है, हर टर्म को मैंने राइट हैंड में भेज दिया, सिंपल है। 2 4 8 होता है और ऐड करने पर 6 आता है, तो ये फैक्टराइज हो भी जाएगी। क्लास 12th में ये सब दिक्कतें तो नहीं होती हैं, लेकिन अगर हो तो आप अलजेब्रा बेसिक्स पार्ट 2 नाम का एक वीडियो देखिए, मेरे चैनल पर अवेलेबल है, बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। एक्स कॉमन एक्स माइनस 2 माइनस 4 कॉमन एक्स माइनस 2, ठीक है। और इसी के साथ ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 ब्रैकेट्स में और एक्स माइनस 4, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स की वैल्यू 2 और एक्स की वैल्यू 4, दो वैल्यूज़ आ गई एक्स की, सिमिलरली दो वैल्यूज़ वाई की आ जाएंगी, ठीक है, 4 और 2, तो दो पेयर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत भी नहीं है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट को मुझे लगता है आप खुद करेंगे तो बेटर है, ईजी क्वेश्चन है, कुछ टिपिकल नहीं है, ये क्वाड्रेटिक थी इसलिए कर दिया। ठीक है, समझ रहे हैं, समझते रहिए, पॉज करके कर लीजिए और नहीं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, 7th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। तो बड़े आसान है क्वेश्चन, ए माइनस बी बराबर माइनस 1 हो जाएगा और 2a प्लस सी की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी जा सकता है मुझे लग रहा है ऐसा, चलिए देखते करके, 2a माइनस बी 0 हो जाएगा, घटिया क्वेश्चन है। 3c प्लस डी जो है वो 13 हो जाएगा, सही है। एक्चुअली उन्होंने इक्वेशन को ज़्यादा मिक्सअप ही नहीं किया, यहाँ से सीधे सीधे a और b मिल जाएंगे, ठीक है, इसलिए मैंने कहा बेकार है। तो देखिए 2a बराबर b हो जाएगा, सब्सटीट्यूशन लगाइएगा, b की जगह 2a रख दीजिए इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा a माइनस 2a इक्वल्स टू माइनस 1, सही है। तो माइनस a इक्वल्स टू माइनस 1 और a इक्वल्स टू 1, a 1 है यहाँ रख दीजिए इसको उठा के इस वैल्यू को, तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी, सही है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर a 1 है और b 2 है तो a को 1 यहाँ रखना है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 इंटू a को 1 रख रहा हूँ मैं इस इक्वेशन में, ठीक है, तो 1 प्लस c इज इक्वल्स टू 5, तो 2 1 जा 2 होता है और उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो c आ जाएगा 3, सही है, सिंपल है। और लास्ट केस है 3c प्लस d, तो c की वैल्यू 3 है, रख देंगे तो d आ जाएगा, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है, 3 इंटू 3 प्लस d इज इक्वल्स टू 13, 3 3 जा 9, तो d इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो a b c d आ गया, a 1 है, b 2 है, c 3 और d 4 है, कचअप 1 2 3 4 डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ गए, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इजी होते हैं, डायरेक्टली हो जाते हैं। ए इज इक्वल्स टू, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने का, एक एलिमेंट है, मैट्रिक्स बॉक्स में है, अच्छा मैट्रिक्स हमेशा बॉक्स में लिखी जाती है, इसमें मत लिखिएगा, इसमें डिटर्मिनेंट लिखते हैं, अगला चैप्टर है, पढ़ाऊंगा, ठीक है। और एम क्रॉस एन उसका ऑर्डर लिखा है, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, अभी पढ़ा के आया था, क्या बताया था, रो और कॉलम सेम होंगे तभी तो स्क्वायर बनेगा, तो बस सी ऑप्शन है, टिक करिए, चलिए ईजी क्वेश्चन है। मुझे NCERT जल्दी ख़त्म करनी है क्योंकि मुझे RD शर्मा भी लगानी है, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता इसमें। 9th है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर इक्वल। इसे आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले वाले एलिमेंट को देखो, जल्दी आंसर देगा, ठीक है, बहुत जल्दी देगा, आप इससे मत टाइम वेस्ट करना, यहाँ ज़्यादा तरीके से आंसर आ जाता है, आपको टाइम नहीं वेस्ट करना, आपको ऐसा इक्वेशन को सिलेक्ट करना है जो जल्दी आंसर दे दे, पहली वाली इक्वेशन मुझे बहुत तेज़ी से आंसर देगी, सीधे सीधे x की वैल्यू हो जाएगी -7/3। क्या लगता है आपको, अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होनी है, दोनों पेयर ऑफ मैट्रिक्स अगर इक्वल होनी है, तो ये टर्म इसके बराबर हो जाएगा और y -2 5 के बराबर हो जाएगा, सही है, तो y बराबर हो जाएगा 7, आप यहाँ सेटिस्फाई करवा लो, 7 + 1 8 होता है, सही आ रहा है, और यहाँ पे x को सेटिस्फाई करवा लो -7/3 रख के, यही आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये नहीं आ रहा है तो उन्होंने गलत कर दिया क्वेश्चन, अब मुझे लग रहा है हाँ ये क्वेश्चन उन्होंने दिमाग लगा लिया है, बहुत सही, थोड़ा NCERT ने दिमाग लगाया। देखिए जब आप 2 - 3x को 4 करोगे, ये खेल गया दिमाग ये, तो 2 - 3x 4 है, तो कुल मिला के एक्स माइनस 3x आ जाएगा 2, तो x आ जाएगा -2/3 है, और इसका मतलब नॉट पॉसिबल है, मतलब या तो इन्होंने मिसप्रिंट कर दिया, यहाँ पे 2 होना था, ये गलती कर गए हैं, ये आंसर मैच हो जाता, ठीक है, -2/3 सही है, यहाँ पे 2 आ जाता ना, अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो, है ना, मुझे लग रहा है मिस हो गया इनसे कुछ, ठीक है, आप चेक करिएगा, मुझे लग रहा है मिसप्रिंट कर गए हैं, ये 7 नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, ये जो 7 लिखा हुआ है ये 2 होना चाहिए था, ठीक है, तब आंसर मैच हो जाता ये वाला, अदरवाइज नो आंसर, क्योंकि दो डिफरेंट एक्स की वैल्यू नहीं आ सकती एक ही सोल्यूशन के लिए,
ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक जगह x के लिए कुछ और रखो और एक जगह कुछ और, ये तो गलत है। ठीक है, आखिरी पार्ट करें, ये अलग सा क्वेश्चन था, मुझे लग रहा है मिसप्रिंट है, लेकिन लगाइएगा आप बुद्धि। ये आखिरी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने 11th में परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, उसी के ऊपर है ये। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर विथ ईच एंट्री 0 और 1। ये कह रहा है अगर मुझे 3x3 का मैं आपको मैट्रिक्स दे दूँ, ठीक है, मैं आपको बोल दूँ ये भाई 3x3 की मैट्रिक्स है, इसमें मैं हर एलिमेंट की जगह या तो सिर्फ 0 रख सकता हूँ या तो 1 रख सकता हूँ, बाइनरी की तरह है, ठीक है, या तो 0 रख सकता हूँ या तो 1 रख सकता हूँ, ठीक है, 0101 खेलते हैं ना हम लोग, इसमें 01 यही समझिए, ये वही है 0101 जो खेलते थे बचपन में, पता नहीं क्या बोलते थे, टिक टैक टो बोलते, कुछ बोलते थे पता नहीं, कट्टम कुट्टा हम बोलते थे, ठीक है। तो इसमें 0101 रखते थे, तो कोई 0 रख सकता है कोई 1 रख सकता है, तो हमसे आज ये पूछ रहा है बताओ कितनी तरीके की मैट्रिक्स बन सकती है। तो पता है टोटल आप किसी भी एक प्लेस को कितनी तरीके से भर सकते हो, दो तरीके से, या तो वहाँ 0 रख सकते हो या तो वहाँ 1, हर प्लेस को आप कितनी तरीके से भर सकते हो, दो तरीके से, तो 2 × 2 × 2 कितने टाइम्स, टोटल कितनी प्लेसेस है, 9 प्लेसेस है, 9 टाइम्स, या मैं इसे कह सकता हूँ 2 की पावर 9 पॉसिबल वेज हैं मैं इस मैट्रिक्स को डिज़ाइन कर सकूँ, यानी 512, क्योंकि 2 की पावर 10 1024 होता है, क्योंकि उतना ही तो KB बाइट्स होते हैं ना कंप्यूटर में, किलोबाइट मेगाबाइट आपने सुना होगा ना, 1024 होता है, 1000 नहीं होता, ठीक है, तो 2 की पावर 9 उससे 1/2 कर देंगे तो 512 हो जाएगा। मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे इसमें 2 की पावर 9 क्यों किया, वो एक्चुअली हर प्लेस को हम दो तरीके से भर सकते हैं, या तो 0 से या तो 1 से, इसका मतलब हर एक प्लेस के लिए दो ऑप्शन अवेलेबल है, और मेरे पास कुल 9 प्लेसेस हैं, तो मैं 2 × 2 × 2 क्योंकि हर प्लेस इंडिपेंडेंट है अपनी पिछली प्लेस से, तो एक में मैंने 01 भर दिया, दूसरे में मैं 01 भर सकता हूँ, ऐसा तो नहीं कह रहा ना कि एक बार 0 भर दिया तो नहीं यूज़ कर सकते दोबारा, ऐसा तो नहीं कह रहा, तो बस 2 × 2 × 2 9 टाइम्स हो जाएगा, यानी 2 की पावर 9। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता तो नहीं कर पाते मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन। 9th वाला क्वेश्चन क्रॉस चेक करिएगा, मुझे लगता है मिसप्रिंट है कुछ, अदरवाइज सब सही है। ये एक्सरसाइज खत्म होती है, अगली पार्ट में हम जानेंगे ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वगैरह जितना भी उसके ऊपर ऑपरेशन हो सकता है वो सीखेंगे। सो आई होप डैट यू हैव अंडरस्टूड दिस, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, और बहुत ईजी एक्सरसाइज थी है इसलिए मैंने ज़्यादा समय नहीं लिया, नेक्स्ट एक्सरसाइज में अच्छी होगी तो ज़्यादा समय लूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियोज़ प्लीज़ डू शेयर देम सो दैट अदर्स डू बेनिफिट, एंड इफ यू डू नॉट लाइक दिस वीडियोज़ यू कैन प्रेस द डिसलाइक बटन। Okay, take care. Bye.